हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर का महत्व के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह जो है उसमें हमें घाटा और फायदा होते रहता है, जो प्रॉफिट और लॉस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो यह हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। अब इसमें हम सीखेंगे इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि हम जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीद कर फिर उसे किसी और को बेच देते हैं तो वह हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट जो है इसको हिंदी में हम लाभ भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम कोई सामान जो है 20 रुपए में खरीदे, इसका सीपी हो गया 20 रुपी, और उसे हम बेच देते हैं यानी सेलिंग प्राइस इसे हम 40 में बेच देते हैं 40 रुपी में, तो हमारा जो है इसमें कितना का अंतर है, ठीक है। तो 20 में खरीदे और 40 में बेचे, इसका मतलब हमें जो है सेलिंग प्राइस में से कुछ पैसे घटाएं कुल प्रॉफिट मिल जाएगा कि मैंने। तो उसी तरह लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है, तो जब हम कोई सामान जो है जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए का कोई सामान हम खरीदते हैं और उसे हम 80 रुपए में बेच देते हैं, यह इसका सीपी हो गया और यह इसका एसपी हो गया कि 100 रुपए में खरीद करके सामान 80 रुपए में बेचे हैं यानी 20 रुपए का हमें क्या हो गया है, घाटा हो गया है। तो यहाँ पर जो है लॉस क्या होगा, तो सीपी माइनस एसपी होता है, यानी जब भी हम कोई सामान ज्यादा में खरीद करके कम में बेचते हैं तो हमें हमेशा जो है लॉस होता है, घाटा होता है, हानि होता है। और इसीलिए जो है इसका फॉर्मूला जो है होता है सीपी माइनस एसपी, यानी एसपी से ज्यादा सीपी जब हो जाए तभी हमें लॉस होता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स को और सीखेंगे। जैसे हमें निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। अगर हमें निकालना हो लॉस परसेंट तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बाई सीपी। इससे संबंधित प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं आप इसी का हमें निकालना हो, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेते हैं इससे। इसका हम यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, कितना होगा तो 40 SP है और यहाँ CP कितना है 20 है, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 20 रुपी, यानी प्रॉफिट कितना निकला 20। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 20 को इंटू 100 कर देंगे बाई CP, तो CP इसका कितना है 20 है, तो 20 यहाँ लिखेंगे, 20 से 20 कैंसिल होगा यानी यह जो है 100%, इसका प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया 100%, ठीक है। उसी तरह जो है यहाँ पर फिर हम निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन के लिए इसमें लॉस हुआ है तो यहाँ से लॉस निकाल लेते हैं कितना हुआ है। तो यहाँ पर जो है लॉस का फॉर्मूला क्या है CP माइनस SP, सीपी का वैल्यू कितना है 100 है, एसपी का वैल्यू कितना है 80 है, इसको घटाएंगे तो आएगा 20। अब यहाँ पर जो है हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस का वैल्यू जो भी आया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे इसे और बाई सीपी, सीपी का वैल्यू कितना है 100 है तो यहाँ 100 लिखेंगे और यह कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो बचेगा 20, यानी लॉस परसेंट कितना आ गया तो 20%। इस प्रकार किताब में किसी भी प्रश्न में अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो हम इसका फॉर्मूला लगा करके आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें जोड़ देते हैं और अगर लॉस होता है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बाई 100। और यही फॉर्मूला को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से सीपी का भी वैल्यू आ जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो इस प्रकार जो है अगर किसी क्वेश्चन में जो है सेलिंग प्राइस निकालना हो, उसका सीपी का वैल्यू दिया हो और प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू दिया हो तो हम उससे आसानी से एसपी निकाल सकते हैं, या फिर किसी प्रश्न में अगर एसपी दिया हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट वैल्यू दिया हुआ हो तो हम वहाँ से सीपी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण हम देख करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ए वॉच इज सोल्ड फॉर 1080 एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए इसमें देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ए वॉच इज सोल्ड फॉर इतना, यह ए सोल्ड फॉर इतना यानी यह जो वैल्यू दिया है यह इसका सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हम जो है इसका गिवन वैल्यू जो जो है उसको लिख लेंगे कि क्या क्या इसमें दिया है। तो एसपी इसका दिया है कितना
1080, उसके बाद कह रहा है एट ए लॉस ऑफ, इसका लॉस परसेंट का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है लॉस परसेंट का वैल्यू, तो 10% दिया है। उसके बाद जो है कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, यानी तो सीपी यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें क्वेश्चन में हम कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसको हम शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, तो इसे हमें निकालना है, तो सीपी निकालना है, तो देखिए सीपी का फॉर्मूला है यह, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में इसके जो जो वैल्यू दिए हुए हैं इसको रखेंगे और आसानी से इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर एसपी का वैल्यू कितना दिया है, तो 1080 वैल्यू दिया हुआ है, तो एसपी के जगह पर लिखेंगे 1080 इंटू लिखेंगे 100 बाई, और यह प्रेशन बार का साइन हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 100। और देखिए यहाँ पर जो है हम अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहता तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लेकर के इसको ऐड कर देते 100 में, लेकिन यहाँ लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 100 में से उसको लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। कितना परसेंट का लॉस है, तो 10% का है, तो यहाँ पर 10 इसको माइनस कर देंगे। अब यह जो वैल्यू है क्या क्या आता है, तो 1080 इंटू 100 बाई आएगा 90, ठीक है, इसमें से घटाने पर आ गया 90। अब यह 1070 कटेगा, इसे इसको काट देंगे, कितना बार में डिवाइड होगा, तो 9 1 9 1 9 2 12 बार में डिवाइड हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, और इतना रुपये जो है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इन फॉर्मूला का यूज करके हम जो है किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक यू।